खुशी फैशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो गाइस, नमस्कार। खुशी फैशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ये जो प्लेटिंग है वो किस तरीके से लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी कपड़े में हमें प्लेटिंग लगानी है वो इस तरीके से सीधा कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने सीधा कटिंग कर लिया है और अब हम थोड़े अनोखे तरीके से प्लेटिंग लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से प्लेटिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सिलाई लगाएंगे। तो सामान्य तौर पर हम इस तरीके से प्लेटिंग लगाते हैं और यहाँ पर एक के बाद एक इस तरीके से पहले सिलाइयाँ लगाते हैं, उसके बाद प्रेस से बिठाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो सिलाई है वो दिखती है, तो सिलाई जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। तो हम इस तरीके से यहाँ पर प्लेटिंग लगाएंगे तो एक के ऊपर एक इस तरीके से आ जाएगी और सिलाई अंदर की तरफ रहेगी। तो अगर सिलाई अंदर की तरफ रहेगी तो बाहर सिर्फ अब मैं प्लेटिंग ही दिखेगी, ये जो सिलाई है वो बिल्कुल नहीं दिखेगी और प्लेटिंग भी एकदम परफेक्टली एक ही जैसी दिखेगी। ऐसा नहीं कि कोई आधे इंच की, कोई पौने इंच की, कोई एक इंच की, इस तरीके से नहीं। तो ये जो प्लेटिंग हम लगाते हैं वो बड़ी आसानी से आप भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप 5 मिनट निकाल के देखेंगे तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर इस तरीके से प्लेटिंग लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो प्लेटिंग हमें कितनी चाहिए वो हिसाब से यहाँ पर कपड़ा का जो मार्जिन है वो हम रख सकते हैं। तो कपड़े का जो मार्जिन है वो यहाँ पर अगर हमें 3/4 पार्ट जो है वो दिखाना है, यानी कि 5 इंच जितना, तो हम आधे इंच जितनी प्लेटिंग लेंगे ताकि ये जो 5 इंच अंदर जाएगा और 1/4 इंच बाहर की तरफ आएगा। तो ये जो प्लेटिंग है वो अंदर की तरफ जाएगी तो उसमें वहाँ पर सिलाई कवर हो जाएगी और यहाँ पर प्लेटिंग दिखेगी। तो इस तरीके से हम तो थोड़ा सा बड़ा ही प्लेटिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से हम प्लेटिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्लेटिंग हमने लगाई है वो कहीं पे भी आपको सिलाई नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लेटिंग ही आपको दिखेगी। तो ये जो प्लेटिंग है वो आप पेंट में भी बना सकते हैं, पेंट की मोरी में, और नेक में भी बना सकते हैं, फ्रंट साइड आगे के गले में और पीछे के गले में भी अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो ये जो आगे और पीछे के पार्ट में अगर इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं तो ज़्यादा लंबी जो ये डिज़ाइन है वो अच्छी नहीं लगती है। तो ऊपर के पार्ट में अगर हम लगा रहे हैं तो 8-9 इंच तक ही अच्छी लगेगी। ये जो कमर तक अगर आप प्लेटिंग करना चाहो तो अच्छी नहीं लगेगी, और बैक साइड भी करना चाहो तो 5-7 इंच तक ही कर सकते हो, तभी अच्छी लगेगी। और अगर आप मोरी में करना चाहते हैं तो मोरी में 4 से 5 प्लेटिंग लगा सकते हैं तो बिल्कुल एकदम अच्छी लगेगी। तो अगर आप प्लेटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाइए तो बड़ी आसानी से आप प्लेटिंग लगा सकते हैं। तो ये जो प्लेटिंग है वो हमने लगाकर एकदम यहाँ पर 4 इंच तक की रेडी कर दी है। तो 4 इंच के ये जो प्लेटिंग हमने की उसमें कितना सारा कपड़ा हमारा चला गया। तो ये जो प्लेटिंग है, तो अगर इस तरीके से हमें प्लेटिंग वाले जो डिज़ाइन बनानी है तो इसमें बहुत सारा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हमने डिज़ाइन बनाई थी ये हल्की सी थोड़ी सी डिज़ाइन बनाओगे तो ये भी इसमें 1 मीटर जितना कपड़ा चला जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये प्लेटिंग में। तो वो हिसाब से यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट में 1 मीटर चला जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। तो वो हिसाब से यहाँ पर आप प्लेटिंग लगा सकते हो, जो हिसाब से आपके पास कपड़ा है वही हिसाब से आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो हम देख सकते हैं ये जो सारे प्लेटिंग है वो बनकर एकदम रेडी है। तो कहीं पर भी आपको सिलाई इसमें नहीं दिखेगी। तो आप देख सकते हो सिलाई सारी के सारी जो है वो अंदर की तरफ है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।